नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। क्या आपको थायराइड है और थायराइड की वजह से आपका वेट बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आपको तरीका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना वेट कम कर सकें, अपने इंचेस कम कर सकें, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जुड़े रहें, आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, आप देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थायराइड से होने वाली प्रॉब्लम्स, थायराइड से बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। थायराइड दो तरह का होता है, सब जानते हैं। एक थायराइड पतला कर देता है, वीक कर देता है, और एक थायराइड हमें बहुत मोटापा दे देता है। अब थायराइड के पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है अब खुद को पतला करना, वेट कम करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड है तो आप क्या करेंगे आपका थायराइड क्योर हो, और क्या करेंगे आपका वेट जल्दी से कम हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि थायराइड होता क्या है। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होता है, जो कि यहाँ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे जब एक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। अब थायराइड को आप बहुत तरीक़ों से क्योर कर सकते हो। सबसे आसान तरीका तो मेडिसिन लोग अपनाते हैं, सुबह खाली पेट मेडिसिन लेते हैं, और एकदम से आप वो मेडिसिन को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि फिर चक्कर आने लगते हैं, टांगों में बहुत पेन रहने लगता है थायराइड की, जो बहुत आम सी प्रॉब्लम है। टांगों में दर्द रहना, चक्कर आना, ये बहुत आम सी प्रॉब्लम है। लेकिन अपनी मेडिसिन के साथ साथ आप और भी बहुत सारी थेरेपीज कर सकते हैं जो कि आपको फ़र्क दिखाएगी। सबसे पहले योगा। योगा तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं, आप बीमार हैं, योगा करेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और बहुत हेल्दी रहेंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। स्किन भी ग्लो करेगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, और यंग भी रहेंगे, और आप वाइब्रेंट एक एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। सबसे ज़रूरी है योगा का अभ्यास कीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए। योगा में आसन होते हैं जो करने से हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाती है। बट योगा आप एक प्रोफेशनल के अंडर कीजिए, खुद नहीं कीजिए कि यूट्यूब पे देख ली और खुद कर ली, क्योंकि योगा का अगर एक भी आसन गलत हुआ तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी नस दब सकती है, आपको कोई भी नुकसान। इसलिए योगा आप या तो योगा सेंटर में जाकर करें, या किसी को अगर योगा की नॉलेज है उसके नज़र में कीजिए। तो योगा आप सबसे पहले कीजिए। योगा में आप और भी आसन करेंगे, उससे आपके इंचेस लूज होंगे, आपका वेट कम होगा। और इसके साथ साथ मैं आज आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, उसे प्रेस करने से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। हमारे हाथों में और हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो पॉइंट्स कौन से हैं। हमारे हाथ में जो ये थंब के नीचे वाला पार्ट होता है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं थायराइड के लिए। और ये पॉइंट, इस पर आप जब प्रेस करते हैं, थंब से प्रेस कीजिए इसको, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसको जब आप प्रेस करेंगे इस तरीके से, ये एरिया और इस एरिया को आप जब भी फ्री बैठें इसे और इसे प्रेस करेंगे, दोनों हाथों पर, पैरों पर भी थंब के नीचे वाले पॉइंट को प्रेस करेंगे। इसे जब प्रेस करेंगे, एक्यूप्रेशर करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, और आप वैसे अपने थंब से भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर से भी करवा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। जब भी फ्री बैठे हैं, दिन में 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 3-4 बार इसे कीजिए। ये बहुत जल्द असर दिखाता है। एक्यूप्रेशर ना तो सिर्फ थायराइड और भी बीमारियों का इलाज है। हम एक्यूप्रेशर से सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और इंस्टेंट रिलीफ देने वाली, जैसे हेडेक हो रहा है या आपको मतलब ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, गैस ट्रबल है, तो एक्यूप्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। मैं आगे आपको वीडियोज़ में और अच्छी वीडियोज़ दूँगी एक्यूप्रेशर से रिलेटेड। आज हम थायराइड की बात कर रहे हैं, तो आज हम थायराइड की ही बात करेंगे। तो थायराइड में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी प्रेस करके रिलीफ पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए कि जिससे आपका तो थायराइड भी क्योर हो और आप पतले भी हों। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताती हूँ कि फ्रूट्स खाएं।
फ्रूट्स खाना हमारे लिए बहुत हेल्दी है, हमारे लिए बहुत अच्छा है और 15 मिनट में हजम होकर फ्रूट हमारी बॉडी से बाहर होता है। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये खाना हमारी बॉडी में बहुत देर रहता है और बॉडी को एनर्जी लगती रहती है उसको पचाने में, लेकिन फ्रूट इंस्टेंट पचता है और 15 मिनट में हमारी बॉडी से बाहर होता है और भरपूर एनर्जी देता है हमें। फ्रूट्स खाएं, वाटरमेलन खाएं, खरबूजा खाएं, सुबह उठकर एप्पल खाएं, बनाना खाएं, ये चीज़ें जितनी हो सकें खाएं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा आप सुबह उठकर लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस, भूख भी कम लगेगी और लौकी के जूस से क्या होगा, आपके थायराइड में भी आपको आराम आएगा। लौकी का जूस पी सकते हैं आप, चिया सीड्स खा सकते हैं आप, ये पतला करने में भी हेल्प करती है। लौकी के जूस में आधा लेमन डालिए और पीजिए, और फ्रूट जूसेस भी पीजिए, उससे भी बहुत जल्द आराम मिलता है। इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो आता है जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, उसे उबाल कर खाएँ, वो थायराइड में बहुत आराम देती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाई, सैलड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, खाने से पहले सैलड खाएं ही खाएं। अपनी आदत बना लीजिए कि खाना जब रेडी हो रहा है, किचन में खड़े हैं, आपके पास टाइम नहीं है, एक खीरा काटिए, दो खीरे काटिए, खाइए। कैरेट को ऐसे ही खा लीजिए, पकड़ के, काटने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही खा लीजिए। खीरा खाइए आप, चुकंदर खाइए आप, गाजर खाइए, खीरा तो आप ऐसे ही दो तीन खीरे खा लो काम करते करते, स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने यंग लगोगे हमेशा, बुढ़ापा, रिंकल्स, दूरी, खूब दूरी रहेगी और फिट तो आप वैसे ही हो जाओगे। जब आप वेजिटेबल्स, वेजिस ज़्यादा खाओगे तो आप फिट वैसे ही रहने लगोगे। आजकल विटामिन डी की सबको कमी होने लगी है, तो सब क्या है, डॉक्टर सैशे लिख के दे देते हैं विटामिन डी के, सैशे खा लो। पर नेचुरल वेज भी तो हैं, अगर आप विटामिन डी को ही डेफिशिएंसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो नेचुरल वे ये है कि 10-15 दिन के लिए ना दूध और दूध से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दो। क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाने में हमारी लीवर की सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दोगे तो आपके जो विटामिन डी का लेवल है अप होने लगेगा। और उसके साथ साथ जो सब्ज़ियाँ उगती हैं वो इतनी धूप में ही तो उगती हैं, जितनी भी सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स हैं सब धूप में उगती हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें, उन्हें खाएं, उनमें नेचुरल भरपूर विटामिन डी है। जितनी सब्जियां खाएंगे उतना आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी खाएं, सब्जियां खाएं, सैलड खाएं, खीरा खाएं, ये चीज़ें आप नेचुरल चीज़ें आप जितना फ़ायदा हमें देती हैं ना कोई चीज़ नहीं देती। चेहरे पे लगाएं और खाएं, जितनी नेचुरल चीज़ें आपको असर दिखाएंगी कोई नहीं दिखाएगी। थायराइड की प्रॉब्लम ऐसी है कि एक बार हो जाए ना तो गोली की फिर 50 से 100 mg ऐसे बढ़ते हो आप। तो अपना इलाज खुद करें, अपने डॉक्टर खुद बने, खुद अपनी बीमारी को जाने कि उस बीमारी से क्या होता है, उस बीमारी में क्या खाना है, उस बीमारी में क्या नहीं खाना। अगर आप अपने डॉक्टर खुद बन गए ना तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज खुद ही देसी तरीके से कर लोगे। जब आप नेचुरल चीज़ें खाओगे ना आपको वैसे ही कोई बीमारी नहीं होगी। आप सैलड खाओगे या फ्रूट्स खाओगे, रोटी कम खाओ, दही खाओ, ये चीज़ें खाओगे ना तो हेल्दी भी रहोगे और आप इन दूर भी रहोगे बीमारियों से। क्योंकि जो नेचुरली चीज़ बनती है ना जिस काम के लिए, वो जो वर्क करती है वो आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं वर्क करती। तो इसलिए आप योगा कीजिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने योगा बनाई है, योगा का अभ्यास करते थे, ऐसे इतने फिट नहीं थे, इतने इतने साल जी जाते थे ऐसे ही नहीं, योगा का अभ्यास। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री योगा करते हैं सुबह उठते ही, ऐसे ही वो इतनी उम्र में भी फिट नहीं है, 5 से 6 घंटे सोते हैं और इतना काम करते हैं, 19 से 20 घंटे काम करते हैं इस उम्र में भी, तो उनकी रूटीन में भी योगा है। और खाना वो खाते हैं बिना मसालों के, बहुत कम मसालों का खाना वो लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही पड़ेगा, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने फल दिया और आपको बच्चा हो गया, कुछ भी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये बस कहानियों में और ये बस उसी में अच्छा लगता है कि आंखें बंद करी, रात को सोए और सुबह आप पतले हो गए और सुबह आपका थायराइड ठीक हो गया। आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा सा
अपने आप को बदलिए, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, फिट रहिए, खुश रहिए. खुश रहिए, खुश रहना इज़ द मेन की फॉर द हैप्पीनेस. जब आप खुश रहेंगे तो आपका ऑरा भी अच्छा रहेगा, आपसे लोग खुशी से बात करेंगे और आप फिट रहेंगे, आपकी बीमारियाँ भी दूर रहेंगी. जब आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी और बीमारियाँ भी बढ़ेंगी. तो इसलिए खुश रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना. खुश रहेंगे तो अच्छा जिएंगे, लंबा जिएंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. आप भी इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं. और अगर कुंडली से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल हमारी कुंडली में भी दिया होता है, आपको कोई हेल्थ इशू है, कर्जे की प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रही, तो आपको ज़रूरत है अपनी कुंडली एक योग्यवर ज्योतिष को दिखाने की. तो अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं. हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और कुंडली से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब देंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो. इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए. और मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ. गुड बाय, नमस्कार.